बिहार की सत्ता में बदलाव हुए अभी 100 घंटे भी नहीं बीते। इस बीच प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष की तरफ से दो दो नाम सामने आ गए। पहला नाम नीतीश कुमार का आया और दूसरा नाम अखिलेश यादव का। यानी बिहार के बाद यूपी से भी सियासी तूफान उठ चुका है, लेकिन समूचा विपक्ष इन दोनों नामों को स्वीकार करेगा इस पर संशय है, क्योंकि टीएमसी से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने चुप्पी साध रखी है। बिहार में बदली सरकार, 24 के लिए नीतीश तैयार। वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं, हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिलकर के एक साथ चलें। नीतीश के नाम पर विपक्ष के अलग अलग सुर। जी भरोसेमंद हैं सर? देखिए मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बहुत जानकारी नहीं रखता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा उनके साथ काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी का पूरा ध्यान इस देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उसका समाधान कैसे हो और उन मुद्दों को कैसे मुख्य मुद्दा बनाया जाए और कैसे हम अपना मजबूत संगठन बनाए, हम इस पे लगे हुए हैं। वो उनकी पार्टी और उनका गठबंधन क्या तय करता है नीतीश कुमार जी के लिए, इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। अखिलेश ने काटी कन्नी, राजभर ने किया समर्थन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका गया या नहीं बन पाए, वो 30 आज भी उस कमनीति में है। वो कमनीति पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है, तो उसका लाभ विपक्ष को मिलता है। बिहार में विपक्ष एकजुट, देश में महागठबंधन धुआं धुआं। यही कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने एक पर्सनालिटी जो प्रधानमंत्री पद के लिए हो सकता है उसमें नीतीश कुमार जी हर तरह से फिट है। क्योंकि कांग्रेस ने इससे पहले भी जो अपोजिशन वाले या सोशलिस्ट माइंडेड नेताओं की जब सरकार बनी तो बाहर से रह के समर्थन देने का काम किया है। अगर ऐसी नौबत आई तो हो सकता है बाहर से रह के कांग्रेस समर्थन देने की भूमिका निभाए। 2024 की मेगा लड़ाई, सबकी अपनी अपनी चढ़ाई। आदमी का ये ठीक है कि आदमी कई बार जो करता है वो दोबारा नहीं करता, लेकिन उसका भरोसा कहाँ से आएगा? उसका भरोसा तब आएगा जब इनमें सही में क्षमता हो, तमाम पार्टियों को मिलजुल के एक कर। 2024 में मोदी बनाम कौन? सुबह का भूला अगर रात को घर लौट आए तो गलतियों की माफी भी होती है, लेकिन ये तो पोस्ट इलेक्शन पे तय होगा कि कौन नेता। आपस में लड़ेगा विपक्ष तो कैसे मिलेगी सत्ता? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।